नथिंग के दो नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, नथिंग ईयर ए और नथिंग ईयर, जिसमें से नथिंग ईयर ए का प्राइस सेट किया है 7,999 रुपीस और नथिंग ईयर का प्राइस सेट किया है 11,999 रुपीस और इन दोनों का सेल स्टार्ट होगा 22nd अप्रैल से। अमन एक सेकंड, ये वाले तेरे हैं, ये मेरा है। नथिंग ईयर ए जो है ना, ये मेरा है, ये मैं रिव्यू करने वाला था इसका, ठीक है। तो भाई तुझे महंगा नहीं चाहिए तो तू वो यूज करना, तू उसका इस्तेमाल कर रहा था यार, तू उसके बारे में बताना लोगों को। तो भाई मैं तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, इंजॉय कर ही रहा हूँ, इतने बढ़िया प्रोडक्ट थे, इतने सही साउंड करते हैं, मुझे तो काफी मतलब एकदम काफी पसंद आया, मतलब कोई इसमें डाउट नहीं। हाँ मतलब सही होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है पता है, नथिंग ईयर ए जो है ना, ये भाई बहुत सही है, मतलब ये बेस्ट है। मतलब इसने वही बात कर दी ना, मतलब तुमने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया, अभी वीडियो शुरू ही नहीं हुआ, मतलब ये तो हमारे रिव्यूअर साहब हैं ऐसे। भाई पहली बात ना, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ तुझसे, तू ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मैं तेरी किडनी विडनी मांग ली हो। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि जिस प्राइस में ये आया है ना भाई, लॉजिक बनता है इसको खरीदने में, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तेरा वाला खराब है भाई, बिल्कुल अच्छा है ये भी, लेकिन प्राइस को यार जस्टिफाई कर रहा है मेरा वाला प्रोडक्ट यार, नथिंग ईयर ए जो है ये येलो वाला, और कलर भी देख रहे हो आप। बट क्या हम एक कॉमन डिसीजन बना सकते हैं भाई? बिल्कुल, ये कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे बेसिकली मुद्दा ये है यार। देखो अगर आप लोग ये वीडियो देखने आए हो इन TWS के बारे में, तो गाइस बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि इस वीडियो में हम एक कॉमन ग्राउंड पे आके आपकी मदद करने वाले हैं कि नथिंग ईयर ए लेना ज्यादा सही है या ईयर लेना ज्यादा सही है, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं या अकेले नहीं बताने, हाँ मतलब हम ही बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं हूं इमाम और ये है अमन, आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। चल भाई डिजाइन से शुरू करते हैं, डिजाइन को लेके क्या लगता है, कौन से वाले बेटर लगे तुझे? यार ऑफ कोर्स ये नया वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यार देखो ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट से हटके है ये, और साइज देख यार कितना कॉम्पैक्ट है प्लस हल्का है, और इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि नथिंग वालों ने मतलब ये येलो रंग की होली खेल ली है और इसको फिर बनाया है, और अच्छा लग रहा है मुझे यार। मतलब तू बता तेरे वाले में नया क्या है, मतलब देख तो वैसे ही रहे पहले जैसे ही। मतलब ठीक है, तेरा पॉइंट मैं मानता हूँ कि दिखने में चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम भी नहीं, चल हाँ जिससे पहले तुम कूद पड़ो, दिखने में सेम है नथिंग ईयर ये 2024 विद नथिंग ईयर 2, बट अगर हम डिज़ाइन को थोड़ा सा परे में रखें, साइड में रखें, हाँ मान लिया डायमेंशन सेम है, वेट वगैरह सब सेम है, हमें जो मेन बात है नोटिस करनी है ना कि नथिंग का ये ट्राइड एंड टेस्टेड डिज़ाइन है, ठीक है। ये ले मतलब कोई भी दूर से देखेगा ना उसको पता लग जाएगा कि भाई ये नथिंग की ईयरबड्स उन्होंने ले रखे हैं, और वो बात नहीं होती कि डोंट फिक्स व्हाट एंट ब्रोक, वाली फिलॉसफी यहाँ पे नथिंग ने फॉलो करी है। मेन बात ये है कि डिज़ाइन भले सेम हो, डायमेंशन भले सेम हो, अंडर द हुड वही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करेंगे। डिजाइन वालों नहीं हुआ ना, अब मैं इसको कुछ ऐसे समझा देता हूँ गाइस, तो देखो इसको ऐसे समझ लो, अगर आपको कुछ नया तड़क भड़क चाहिए और साइज कॉम्पैक्ट चाहिए बॉस, ये यहाँ पे फिटिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही ट्रेडिशनल नथिंग का जो डिज़ाइन चला आ रहा है ब्लैक एंड वाइट वो चाहिए, तो वहाँ पे ईयर अच्छा है, बुरा नहीं है। अब यहाँ पे जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो कुछ चीज़ों को लेके हुई हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको। मतलब तो जिससे पहले ये आगे बताएंगे भाई, दो चीज़ मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा, दो बार तूने अभी मेंशन कर दी कि सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे ना, हाँ तो उस पर भी ऑफकोर्स हम बात करेंगे। एंड बाय द वे ब्लैक एंड वाइट केवल यहाँ पर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट वहाँ पे भी, जस्ट आपने येलो इस बार ऐड कर दी जो कि ओके अच्छा पॉइंट, बट हाँ अभी सैक्रिफाइस पर बात करनी बाकी है, बट ये अच्छा लग रहा है, एक काम कर चलिए सैक्रिफाइस पर बात करते हैं। तो एक्चुअली अभी हम बात कर रहे थे बलिदान की, तो भाई एक सेकंड थाम बा आराम से, बलिदान के बारे में आप बाद में बता दीजिएगा, पहले एक बार मैं नथिंग एक्स ऐप का डेमो दे दूँ अपने ऑडियंसेस को, प्लीज अगर आप जी जा सको जी प्लीज। तो ये जो दोनों ये जो दोनों ईयरबड्स हैं, ईयर 2024 और ईयर ए, ये दोनों नथिंग एक्स ऐप के साथ चलते हैं, सारे ही जैसे नथिंग के बड्स चलते हैं। और नथिंग एक्स ऐप के बारे में अगर मैं बताऊं, तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूटूथ 5.3 और गूगल फास्ट पेयर दिया है, तो झट दोनों ही कनेक्ट हो जाते हैं और हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके। प्लस दोनों ही बड्स में यहाँ ASC SBC के साथ साथ LDAC कोडेक का भी सपोर्ट है, और LDAC का मज़ा उठाने के लिए यार आपके फ़ोन में भी LDAC सपोर्ट होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी भर भर के टच एंड टैप कंट्रोल्स है, इक्वलाइजर भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा बेस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उसको ये भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, डुअल कनेक्शन है, लो लैग मोड है गेमिंग के लिए, और मोटा मोटा ये समझ लो कि नथिंग एक्स ऐप में यार काफ़ी बढ़िया कंपेनियन है इन ईयरबड्स के लिए, तो मतलब वहाँ पर कोई दिक्कत। बोल लिया, अब मैं कुछ बोलूँ, ले लिया फुटेज सारा, अब मुझे कुछ बोलना देगा भाई? ये ले भाई, बोल बोल बोल।
ठीक है, तो मैं बात कर रहा था बलिदान की, ठीक है भाई। तो मैं बता दूं, बलिदान तो आपको देखो देना होगा अगर आप इसको खरीदते हो, लेकिन वो बलिदान इतने बड़ी बलिदान नहीं जिसको आप कुछ ज्यादा मिस आउट करने वाले हो। अब बताइए। हाँ बता रहा हूँ मैं। पहला है कि ईयर का जो केस है उसमें IPX2 रेटेड है, वहीं जो 13 वाला है उसमें IP55 रेटिंग के साथ आ रहा है। मतलब जो ईयर ए है ना उसको पानी और धूल मिट्टी से बचा के रखना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि IP54 दिया गया है दोनों के बर्ज में, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब लेकिन केस का भैया थोड़ा सा इस वाले को बचा के रखना पड़ेगा। दूसरा है कि ईयर ए में वायरलेस चार्जिंग नहीं है, जो कि ईयर 2024 में दिया गया है। अब मेरे लिए इतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है बॉस, क्योंकि मैं वैसे भी चार्ज इसको वायर से करता हूं, मे बी तेरे लिए होगा भाई। और तभी मैं बता रहा हूँ कि नथिंग ईयर ए अपने प्राइस के हिसाब से भाई सॉलिड प्रोडक्ट होगा, पर अगर आप इस वाले पे एक्स्ट्रा पैसे लगाते हो तो आपको दो चीजें बढ़िया यहाँ पे मिलने वाली, वो है एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी IP55 जो आपको रेटिंग मिल रही है केस पे, प्लस वायरलेस चार्जिंग। अगर आपको मतलब इससे ये फीचर मैटर करता है तो डेफिनेटली वो आपको यहीं पे मिलने वाला है। अब आप तुमने प्रायोरिटीज की बात की है मन, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जो एक्स्ट्रा जो आप फीचर की बात कर रहे हो वायरलेस चार्जिंग की, तो भैया उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी आपको देने पड़ेंगे क्योंकि वायरलेस चार्जर खरीदना पड़ेगा आपको। भाई तुम्हें मतलब हर बात पे मतलब बहस करनी जरूरी होती है, कुछ बहस किए बिना तो कर सकता है। अरे मैं तो बता रहा हूँ जनता को यार की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बात। तो भाई देखो, TWS इज नॉट ऑल अबाउट डिजाइन और फीचर्स, ठीक है, तो तुझे नहीं लगता अमन कि हमें थोड़ा परफॉर्मेंस और साउंड क्वालिटी पे बात करना चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए, पर अगर ये भाई साहब मुझे बात करने देंगे तभी तो मैं कुछ बात कर पाऊंगा परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ? ठीक है भाई, तू एक काम कर, परफॉर्मेंस तू ही लीड कर ले भाई, कर। और परफॉर्मेंस की जब बात करी जाए तो एक्चुअली हम दोनों को अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस मोर और लेस यहाँ पे मिलती जुलती है, जो कि अच्छी बात है। मैं इसे एकदम पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला साउंड क्वालिटी मोर लेस सेम है, दोनों में ही 11 mm के ड्राइवर्स हैं, अप टू 45 dB तक का ANC है, नथिंग का वो नया क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी 3.0 है जो कि कॉलिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी क्लियर कॉल्स होती है, प्लस बैटरी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट्स है जो कि मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं ईयर टू यूज़ करता आया हूँ और उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है मुझे इस वाले बड्स में। भाई एक सेकंड, बैटरी लाइफ तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे वाले जो है ना ये इससे ज़्यादा चल रहे हैं, और ऐसा नथिंग ने भी क्लेम किया अपने वेबसाइट पे लिखा है भाई उन्होंने, तो तू कहाँ से ये चीज़ बोल रहा है कि मिलता जुलता है? ये बेटर है अमन, मतलब ठीक है, और हमने इस पर डिस्कस भी किया था, हमने इससे पहले इस पर डिस्कस भी किया है कि इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा चलती है इससे भाई। तो ठीक है, इसका पॉइंट भी एकदम सही है। तो अगर मैं अपना बैटरी लाइफ के बारे में अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ, तो बैटरी लाइफ में ये है कि 60-70% वॉल्यूम पे मैंने रखा ANC को ऑन ऑफ करके। मिक्स्ड यूजेज में अगर मैं बताऊँ, सिंगल चार्ज में मुझे इसमें 6-7 घंटे आराम से मिल रहे थे, जो कि काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया, और ईयर टू से डेफिनेटली बेटर है। एक सेकंड भाई, तो मेरा वाला भी जो है ना वो भी ऑलमोस्ट ANC ऑन करने के बाद भी 7 घंटे इसने मेरा साथ निभाया है अमन, तो ये तो वो अच्छी बात है ना। तो मैं वैलिड पॉइंट ही तो मान, मैं तो ठीक कह रहा हूँ कि बैटरी लाइफ डेफिनेटली वहाँ अच्छी है, बल्कि इमाम तो कुछ ज्यादा ही ANC यूज करता है, और उसके साथ भी तेरा भी वॉल्यूम कुछ ऐसे ही रहता है ना। तो 70% तो मुद्दे पे आना, इतना इस पे क्यों जा रहा है मुद्दे पे? साउंड क्वालिटी कैसी लगी तुझे भाई? मुद्दे पे ही तो आ रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं मुद्दे के बाद, बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। मतलब तेरे अंदर सबर तो मतलब ढेले भर का भी सबर नहीं है। मैं साउंड क्वालिटी पे ही आ रहा था मेरी जान, और ठीक है जिससे पहले तू फिर से कुछ बोले। साउंड क्वालिटी के मामले में नथिंग ईयर 2024 और नथिंग ईयर ए भी काफ़ी मतलब हाँ, तुम इधर मत देखो, मैंने थोड़ा सा एक्चुअली आपके बैग से चुरा के थोड़ा यूज़ करा है, दोनों को कंपेयर करा है, और साउंड दोनों की यार मोर लेस सेम लगी, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मतलब ये चीज़ सिर्फ दिखती नहीं है, मतलब ऑफकोर्स दिखती नहीं, मतलब अमन ये चीज़ हमें सुनाई देती है, मतलब ये चीज़ साउंड जो इम्प्रूवमेंट है वो सुनाई देती है नथिंग ईयर 2024 के साथ और नथिंग ईयर ए के साथ, दोनों ही काफ़ी शानदार हैं। और स्पेशली अगर आप बेस हैवी आउटपुट पसंद करते हैं अपने ईयरबड्स के साथ, तो जो थंप वाला म्यूज़िक होता है ना यार, वो सुनने में काफ़ी मज़ा आने वाला आपको दोनों बड्स के साथ, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बता ही चुका हूँ, साउंड काफ़ी अच्छी है। मतलब ईयर टू खुद में इतने अच्छे थे और ये तो भाई दोनों उससे भी बेहतर निकले। बाकी ऑडियो सेपरेशन गानों में काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वोकल्स काफ़ी क्लियर सुनाई पड़ते हैं, काफ़ी बैलेंस ट्यूनिंग लगी मुझे इन दोनों की। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो एरियाज जहाँ ये ईयर टू से काफ़ी बेटर हैं वो हैं कॉल्स लेते वक्त, कॉल्स काफ़ी क्लियर रहती, मैं पहले ही बता चुका अभी इस वीडियो में, और दोनों एंड पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, प्लस अडैप्टिव ANC में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को भाई मुझे। कुछ बोलूँ मैं अभी, अब सब कुछ तू ही बोलेगा, मतलब बोलूँ मैं, कंटिन्यू करूँ कुछ थोड़ा। तो गाइस देखो मैं एक बार बता दूँ, ये जो मेरा वाला जो इसका जो है ना नथिंग ईयर जो ए है
भाई इसका ANC 2 से बेटर है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, उसका बुरा नहीं, मैं ये बस बोल रहा हूँ कि बेटर इसलिए है क्योंकि भाई जब मैं रोड पे चल रहा था ना तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ईयर 2 से, और ये ईयर 2 नहीं है बाय द वे। हाँ, अगर तू इधर पॉइंट करके इधर नहीं, मैं बस बता रहा हूँ तुझे, ठीक है, मेरी बात सुन ले। जो 2 है मैं उससे बोल रहा हूँ कि ये बेटर है क्योंकि मेरे, मैंने भी रिव्यू किया था भाई, मेरे पास भी आया था भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं वही तू बोलने देगा तो बोलूंगा। अच्छा ठीक है, बोल। तो गाइस उसमें क्या इशू था ना मेरे साथ कि जब मैं उसको लगा के रोड पे चलता था या वॉक पे जाता था ना तो मुझे शोर शराबा सुनाई देता था, वो पुलिस से ब्लॉक नहीं करता था। लेकिन इसके साथ केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं अभी वॉक पे जाता था, रनिंग पे जाता था, मैं इसको यूज भी कर रहा था और वहां पे भाई एक भी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, काफी अच्छे से वो शोर को ब्लॉक कर दे रहा था। तो भाई दोनों का ANC अच्छा है ना। हाँ भाई, भाई भाई मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो एडाप्टिव ANC आपको दोनों का दिया है काफी अच्छा काम करते हैं, ईयर 2 से और बेहतर काम करते हैं। एंड डेफिनेटली एक और बात पे ध्यान दो यार, रोड पे या कहीं भी बाहर ना यार हेडफोन्स और TWS मत यूज करो, सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होता, गलत एडवाइस दे रहा मैंने एडवाइस नहीं दिया कि आप यूज करो, मैंने बताया कि मैं यूज कर रहा था, मैं वॉक करने जाता पार्क में या फिर पार्क जाने के लिए रोड पर के बीच में। इसी के साथ मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। हाँ, मतलब वो ज्यादा जरूरी है, गलतियां गिना रहा है मेरी। तो देखो भाई, मुद्दे की बात ये है कि यार ईयर 2 के मुकाबले में ना एनी डे ईयर ए जो है ना ये बेटर है भाई। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुन ले यार, देख अच्छा आपको ANC मिल रहा है, साउंड क्वालिटी उससे बेटर है, इनफैक्ट यार बैटरी लाइफ उससे बेटर है, मतलब इस प्राइस में और क्या चाहिए भाई, बताना मुझे जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग भी। तो मतलब ठीक है, तू मतलब वही कर रहा है शुरुआत से अपने प्रोडक्ट को ऐसे भर भर के एकदम आगे, मतलब ये तो बोलने का चाहिए कि मुझे पैसे ही देना देंगे भाई, मतलब यार जो क्या इसका भी तो कुछ, अरे यार एक बजट नाम की कैटेगरी होती है, इंसान को क्यों एक्स्ट्रा पैसे पे करना है। भाई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो ठीक है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा, पर मजाक से हटके यार इमाम थोड़ा सीरियस हो जा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब हाँ सीरियस हो के थोड़ा सा यार देख, वहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हमारे, वो जो एक चॉइस बनाना चाहते हैं कि भाई उनको कौन सा हेल्प कर रहा हूं उनकी, इसलिए उनकी हेल्प कर रहा हूं कि कौन सा खरीदना चाहिए, कैटेगरी में बेस्ट है भाई ये, है ना। हाँ, तेरे हिसाब से ये कैटेगरी में बेस्ट है, तो डेफिनेटली यार इसकी बात मैं अग्री करूंगा। अगर आपका बजट कम है, अगर आप वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में देखना चाहते हो तो यार ये वाले नए डिजाइन के साथ, तो मेरे हिसाब से ये भी पॉइंट है ना भाई, अच्छा साउंड क्वालिटी, अच्छी बैटरी लाइफ, एक चीज और बोल लेना, उसका तो कंटिन्यू करो, मैं उसका कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से एक चीज और यार, अब एक्स्ट्रा पैसे लगाने से अच्छा है भाई कि आप वो पैसे बचा लो, डेट पे चले जाओ, अपने ऊपर खर्चे कर लो, मम्मी के ऊपर खर्चा कर लो, पापा के ऊपर खर्चा कर लो, लेकिन आपको क्वालिटी तो साउंड क्वालिटी वही मिलने वाली है। अब तू कंटिन्यू कर ले भाई। तो 100 बात की एक बात, नथिंग ईयर एक काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली अगर आपका बजट कम है तो आप ये वाला ले सकते हो, आप कुछ भी मिस आउट नहीं करने वाले हो ओवर द प्रीडिसेसर। पर अगर आपको इससे हल्का सा थोड़ा जो है प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, अगर आपको एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी चाहिए केस पे, IP55 रेटिंग, क्योंकि ये डेफिनेटली काम आने वाला है, क्योंकि अगर कीचड़ में ये दोनों गिरेंगे ना भाई, ये वाला सर्वाइव कर जाएगा, ये शायद ना कर पाए। और अगर आपको वायरलेस चार्जिंग से भी फर्क पड़े, क्योंकि मुझे पड़ता है, तो यार नथिंग ईयर 2024 एक्स्ट्रा बजट स्ट्रेच करने के बाद डेफिनेटली ये वाला आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। बाकी गाइस देखो, आप कौन से टीवीएस खरीदने वाले हो ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ साथ इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना हमें। और हाँ, अगर कोई भी सवाल है या कुछ भी जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख देना, मैं जरूर उस पर रिवर्ट करूंगा। और साथ साथ जाते जाते चैनल को लाइक फॉलो करना मत भूलना।